फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सहजन का सूप। इंग्लिश में इसे ड्रम स्टिक भी कहते हैं। सहजन का सूप पीने से हमें कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, विटामिन, विटामिन ए, विटामिन सी मिलता है। इसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होने के कारण ये स्किन, गला और छाती के इन्फेक्शन से बचाता है। के शरीर में खून की कमी है, उन्हें इस सूप को जरूर पीना चाहिए, क्योंकि सहजन में बहुत अधिक मात्रा में आयरन होता है, जो सर्दी, खांसी, जुकाम या गले के दर्द में आराम देता है। इस सूप को पीने से हमारी स्किन ग्लो करती है और दिमाग को भी तेज करता है। इसमें फास्फोरस है, जो कि वेट लॉस करने में सहायक है, और इसमें बहुत अधिक मात्रा में कैल्शियम है, जो हमारी हड्डियों और दांतों को मजबूत करता है। यदि किसी का शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो इसके पीने से शुगर का लेवल भी रिड्यूस होता है और आंखों की रोशनी बढ़ाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सहजन का सूप। सहजन का सूप बनाने के लिए हमें इस तरह की मोटी सहजन लेनी है। पतले सहजन में पल्प अधिक नहीं होता है। मैंने यहाँ 250 ग्राम सहजन लिया है, इसे धो लिया है। अब हम इसके बड़े टुकड़े काट लेते हैं। अब हम एक टुकड़ा लेंगे और इसके ऊपर का छिलका उतार लेंगे। आप छिलके को ऊपर से नीचे की तरफ खींचेंगे तो ये आसानी से उतर जाता है। हम सिर्फ सहजन का ही सूप बना रहे हैं, तो यदि हम छिलके के साथ इसका प्रयोग करेंगे तो छिलके की कड़वाहट इसमें आ जाएगी। इसीलिए ये सूप बनाते समय छिलके जरूर उतार ले। इसी तरह सभी सहजन के टुकड़े करके छिलके उतार लेंगे। छिलके उतारने के बाद ये इस तरह की दिखाई देगी। एक कुकर में साफ की हुई सहजन डाल देंगे। इसमें 3 कप पानी डाल देते हैं। कुकर का ढक्कन लगाकर गैस पर हाई फ्लेम पर रखेंगे और 3-4 सीटी लगा लेंगे। गैस बंद कर देंगे। कुकर के ठंडा होने पर इसे खोल देंगे। ये देखिए, सहजन उबल करके सॉफ्ट हो गई है। अब एक पतीले पर छलनी रखेंगे और उबली हुई सहजन डाल देंगे। अब इसको चम्मच की सहायता से छान लेंगे। थोड़ा ठंडा होने पर हाथ से मसल लेंगे और 1 कप ठंडा पानी डाल देंगे, जिससे सहजन का रस पूरी तरह से निकल जाएगा। सिर्फ छिलके बच जाएंगे। अब इन्हें अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे। निचोड़ने के बाद जो कचरा बचा है उसे फेंक देंगे, क्योंकि रस पूरी तरह से निकल गया है। अब हम इस रस को 2 भागों में बांट लेते हैं। 1 भाग को मीडियम फ्लेम गैस पर रखेंगे। अब इसमें 1 छोटी चम्मच नमक और 1 आधी छोटी चम्मच पिसी हुई काली मिर्च डाल देंगे। थोड़ा उबलने देंगे। जब तक उबल रहा है तब तक इसके लिए तड़का तैयार कर लेते हैं। गैस पर तड़का पैन रखेंगे। इसमें 1/2 छोटी चम्मच घी डालेंगे। घी के गर्म होने पर इसमें 1/2 छोटी चम्मच जीरा डालेंगे और लाल होने पर यह तड़का सूप में डाल देंगे। सूप को 2-3 मिनट और उबाल लेंगे, जिससे मसाले और तड़के का फ्लेवर सूप में अच्छी तरह से बैठ जाएगा। अब इसे सूप बॉल में डालकर गरम गरम सर्व करेंगे। अब मैं आपको इसी सूप की दूसरी हेल्दी रेसिपी बताने वाली हूँ। पहले वाला सूप हमने सामान्य बनाया था, उसमें किसी भी तरह के मसालों का प्रयोग नहीं किया था। यहाँ ये सूप हम चटपटा बना रहे हैं। हमने जो सूप का दूसरा भाग रखा था उसको गैस पर रख देते हैं। सूप के गर्म होने पर इसमें 1/2 छोटी चम्मच नमक, 1/2 छोटी चम्मच पिसी काली मिर्च, 1/4 छोटी चम्मच से थोड़ा कम पिसी हुई दालचीनी डालेंगे। अब इसमें डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच चाट मसाला और 3 बड़े चम्मच अंकुरित मूंग। आपको मूंग अधिक पसंद हो तो ज्यादा भी डाल सकते हैं। मूंग के सॉफ्ट होने तक सूप को उबाल लेते हैं। जब तक सूप उबलता है तब तक इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। पैन में 1/2 छोटी चम्मच घी डालेंगे। घी के गर्म होने पर इसमें 1/2 छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा के लाल होने पर इसको उबलते हुए सूप में डाल देंगे। 1-2 मिनट सूप को और उबाल लेंगे। लीजिए, हमारा चटपटा सहजन का हेल्दी सूप तैयार हो गया। गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। अब इसको गर्मा गर्म सर्व करें। फ्रेंड्स, यकीन मानिए, दोनों ही सूप बना करके देखिए और पीजिए। आपको जो भी सूप की रेसिपी पसंद आए वो पूरे परिवार के लिए बनाइए। ये पूरे परिवार के लिए स्वास्थ्यवर्धक है, लाभदायक है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।